हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अभी जस्ट बरसात शुरू हुई है और कुछ कुछ पेड़ हैं जिनको नए पत्ते आ रहे हैं और उनमें से एक ये महान वृक्ष है, बेल का पेड़। इसको देखिए, नए नए पत्ते आ रहे हैं, बहुत ही ये अभी अपने बहार में है। पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर मंदिर है महादेव भगवान का, आप देख सकते हैं। और ये शिव मंदिर का प्रांगण है और एकदम सत्विक और शांत वातावरण है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी सारे बेल के वृक्ष लगाए हुए हैं, जैसे कि हर शिव मंदिर में होते हैं। और ये एक महान वृक्ष है जिसकी मैं चाहे जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कमी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको जड़ी बूटियों के बीज चाहिए तो कुछ कुछ जड़ी बूटियों के बीज मैं vishalsathe.me पे प्रोवाइड करने लगा हूं। आपको कुछ जड़ी बूटियों की सीड्स चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाइए। तो आगे बढ़ते हैं। ये दशमूल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक है। दशमूल में जो पाँच बड़े वृक्ष होते हैं उसमें से ये एक वृक्ष है। अभी देखिए, इसको थोड़े कलियां भी लगनी स्टार्ट हुई है। थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, इसको बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं और बहुत बड़े सुगंधित इसे फूल लगते हैं। इसकी सुगंध एकदम शानदार होती है। ये इसकी कलियां हैं, थोड़े दिनों बाद इसे फूल लगेंगे। तो जाइए, आप आपके एरिया में भी शिव के मंदिर होंगे, वहाँ पे बेल का पेड़ ढूंढिए। ये अभी ये जो इसके कोमल पत्ते होते हैं वो बहुत ही पौष्टिक होते हैं और ये बड़े एक रक्त शोधक है अच्छे, ऐसा लोगों को काफ़ी बार मिसकंसेप्शन होता है कि कोमल पत्तों में इतना सत्व क्या होगा। लेकिन हकीकत यह होती है कि किसी भी वनस्पति में उसके जो कोमल पत्ते हैं उनमें सबसे ज़्यादा गुण होते हैं। मुझे याद है, मैं कुछ दिनों पहले आया था यहाँ पे दर्शन के लिए और माँ ने कहा कि थोड़े पत्ते तोड़ ला मेरे लिए। थोड़े मैं तोड़वा था पत्ते और खाते भी ज़्यादा था। और मैंने ये तीन तीन की जो जोड़ियाँ होती हैं इसकी, वो कम से कम मैंने दस एक बार खा लिए। वो थोड़ा सा ओवरडोज होता है, उसके बाद मुझे पेट में थोड़ा सा, ये इसके पत्ते काफ़ी तीखे होते हैं और तेज़ होते हैं। इसके पत्ते आप इसकी जो तीन तीन की जोड़ियाँ हैं, ये अभी जिस तरह से ये कोमल है, आप तीन से चार आप खा सकते हो, उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। होता कुछ नहीं है लेकिन पेट में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग खा लिया। इसके पत्ते अत्यंत कीटाणुनाशक होते हैं और पेट के समस्त विकार ये दूर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दशमूल का अभिन्न अंग है, वैसे आयुर्वेद में एक फॉर्मुलेशन होता है, शास्त्रीय फॉर्मुलेशन, बिलवाड़ी चूर्ण, इसका भी ये घटक है। तो बिलवाड़ी चूर्ण में इसका जो फल है, इसमें पीछे भी बेल का पेड़ है, उसमें फल आप देख सकते हैं, जैसे गोल गेंद जैसा इसे फल लगता है। ये फल जो है वो पक गया है। बिलवाड़ी चूर्ण में इसका जो कच्चा जो फल होता है वो डाला जाता है। ये कुछ ऐसे बहुत ही कम पेड़ों में से एक है, वनस्पतियों में से एक है, जिसका फल का उपयोग किया जाता है। तो इसका कच्चे फल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसका जो पका फल है वो अगर आप तोड़ो, अंदर से गुदा होता है, वो अगर चम्मच से खाएं तो विवेचक होता है, इससे
कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर होता है, सौम्य विरेचक होता है। जबकि इसका जो कच्चा फल होता है वो कॉन्स्टिपेशन कारक होता है, वो डिसेंट्री को, दस्त को रोकता है, उसके अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बिलवाड़ी चूर्ण में इसका कच्चा फल यूज़ किया जाता है और ये कम वनस्पतियों में से एक है जिसमें कि कच्चे फल का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसके मुख्य गुण यह है कि यह कमाल का एंटीबैक्टीरियल है और ये वात शामक भी है, कीटाणुनाशक और वात शामक है, बिकॉज ये दशमूल वात रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर है और स्पेशली ये हर तरह के पेट के विकार के लिए बहुत जाना जाता है। तो आयुर्वेद में जैसे अलग अलग वनस्पतियों को लेकर के हम जानते हैं कि से तुलसी क्या करेगी, तो तुलसी स्ट्रेस कम करती है, सहदेवी क्या करेगी तो वो बुखार कम करेगी, वैसे ही बेल जो है, आंवला सा समझिए तो आंवला हम यौवन से जोड़ करके देखते हैं, वैसे ये बेल जो है वो खास करके पेट के विकारों के लिए खास जाना जाता है। तो अब इसके कुछ मैं आपको फटाफट पहचान के पॉइंट बता देता हूँ। इसको तेज़ कांटे होते हैं, ऐसे बड़े कांटे होते हैं आप अगर देखें तो ये काफ़ी नोकीले कांटे होते हैं कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं ये कांटे इसके ज़्यादा नोकीले नहीं भी होते हैं। जैसे आप अगर ये देखें तो ये कांटा काफ़ी नोकीला है, लेकिन आप यहाँ आगे ये कांटा देखें तो ये इतना नोकीला नहीं है। तो वेरिएशन होता है। और बेल के जो दो प्रजातियाँ होती है इसमें, एक के तीन पत्ते होते हैं निर्गुंडी जैसे, ही इसके तीन पत्ते होते हैं, या वरुण के पेड़ जैसे तीन पत्ते होते हैं, और एक निर्गुंडी में भी जिस तरह से एक तीन पत्तों वाली निर्गुंडी होती है एक पांच पत्ते वाली होती है, वैसे ही बेल के वृक्ष में भी इस तरह के दो टाइप्स आते हैं, एक के तीन पत्ते होते हैं, ज़्यादा तो पॉपुलर है तीन पत्तों वाला बेल, और कहीं कहीं बेल की दूसरी प्रजाति पाई जाती है जिसमें पांच पत्ते होते हैं। तो ये तीन पत्ते अगर आपको नज़र आए, और बेल का खास करके पहचान का होता है कि इसके जो पत्ते हैं वो लाइट ग्रीन होते हैं, यूजुअली इतने ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं। तो एक तो नंबर वन इसको कांटे होते हैं, नंबर दो इसको तीन पत्ते होते हैं, या फिर दुर्लभ कुछ कुछ पेड़ों में पांच पत्ते होते हैं, और इसके काफ़ी बार आपको जो पत्ते हैं वो लाइट ग्रीन नज़र आएंगे। और इसमें एक पहचान का पॉइंट है कि इसका जो पहला वाला पत्ता होता है त्रिशूल जैसा, वो पहला वाला जो नोक होता है वो लंबा पत्ता मिलेगा आपको, और पीछे के दो पत्ते जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला वाला जो पत्ता है वो लंबा होता है और बड़ा होता है, और पीछे वाले जो दो पत्ते होते हैं वो थोड़े आकार में छोटे होते हैं। ये बेल की पहचान है, ये थोड़ा लाइट ग्रीन पत्ता है। और इसका तना अगर आप देखें तो यूजुअली सफ़ेद रंग का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा तना भी दिखा दीजिए। तो जो भी बहुत सत्विक पेड़ होते हैं और जो रक्त शोधक होते हैं, जो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनमें मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि उनका तना जो है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो इसमें भी ये फीचर है। तो फटाफट मैं आपको इसके फायदे बता देता हूँ। तो नंबर एक, ये कर्ण रोग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके पत्ते जो है वो नारियल तेल में उबाल लीजिए और उस तेल को सिद्ध कर लीजिए, और अगर कान में एक एक दो दो बूंद छाना हुआ तेल अगर डालते हैं तो कर्ण रोग दूर होते हैं। इसमें आप शायनक की छाल भी डाल सकते हैं, या फिर गेंदे के पत्ते भी डाल सकते हैं, या फिर आप अर्जुन के कोमल पत्तों का रस भी डाल सकते हैं। तो इससे ये और भी प्रभावशाली बन जाएगा कर्ण रोगों को दूर करने के लिए। या फिर अपना जो क्या है वो सफ़ेद फूल वाला लंबे पत्तों वाला जो होता है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, जो लिली जैसा जो
वो भी कान कर्ण रोग के लिए फेमस होता है, वो उसका उसके भी पत्तों का रस इसमें डाल सकते हैं, तो इससे एक बहुत ही अच्छा कर्ण रोगों के लिए तेल बन जाएगा आपका। और आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत ही सत्विक पेड़ है, इसके पत्ते अगर आप खाते रहें, स्पेशली अभी जहाँ पे कोमल पत्ते हैं और पूरा पेड़ ही भरा हुआ, ये एक खजाना है, आयुर्वेदिक खजाना है। आप हर रोज़ आकर के इसके, जैसे मैंने अभी आपके सामने चार, मेरे घर से चार पांच मैंने तीन पत्तों की जोड़ियाँ खा ली, अगर आप इस तरह से हर रोज़ सुबह शाम अगर तीन पत्तों की दो दो तीन तीन जोड़ियाँ खाते हैं, तो जिन लोगों को तन की दुर्गंध है या फिर पैरों में से दुर्गंध आती है, जूतों में से दुर्गंध आती है, तो इनके इसके पत्तों के सेवन से रक्त शुद्ध हो जाता है, बॉडी क्लीन हो जाती है, टॉक्सिन्स बॉडी के दूर हो जाते हैं और तन की दुर्गंध एकदम ख़त्म हो जाती है। इसमें आप जामुन के पत्ते भी साथ साथ में एक आधा पत्ता ऐसे खा सकते हैं, या फिर अभी सीज़न है कहीं कहीं पर जामुन भी आप खाइए, या फिर जामुन का जो सिरका है उसका सेवन कीजिए, और अगर आंवले की पाउडर भी खाते हैं तो तन की दुर्गंध, ये तीनों मिलकर के एक तन की दुर्गंध के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई, मैंने आपको एक बड़ा तन की दुर्गंध के लिए नुस्खा बताया है। और आगे बढ़ते हैं, ये पेट के, जैसे मैंने कहा समस्त रोग दूर करता है, ये पेट के लिए बहुत ही रामबाण है। तो आयुर्वेद में पेट के लिए और भी, जैसे सौंफ है वो पेट के लिए जाना जाता है, भांग का पौधा है, दिव्य भांग का पौधा जो कि बेवकूफ़ी में हम लोग आजकल काटते जा रहे हैं, और कुछ कुछ संस्थाएं हैं वो ऐसे कैंप्स लगाते हैं, पता है सब निकल पड़ते हैं भांग के पौधे ढूंढने के लिए, वो बेचारा मौन पौधा पेड़, वो आपके वातावरण को शुद्ध करता है, भांग का जो पेड़ है वो जो 5G जैसे रेडिएशन के जो सीन है, वो रेडिएशन, हवा के रेडिएशन को और पोल्यूशन को दूर करता है। इनफैक्ट रशिया में चेर्नोबिल में एक रिएक्टर फटा था उनका, एटॉमिक रिएक्टर, और रेडिएशन फैल गया था, इतना फैला था कि यूरोप में भी वो हवा से रेडिएशन फैला था, तब उन्होंने चेर्नोबिल के एटॉमिक प्लांट को दबा दिया था, ऊपर से सीमेंट डाल करके उसको दबा दिया था, लेकिन ये करने से पहले उन्होंने भांग के पत्तों की वर्षा की थी ऊपर से, क्यों, क्योंकि भांग का पत्ता जो है वो एटॉमिक रेडिएशन को दबा देता है, सोख लेता है। तो ये इतना कमाल का पौधा है, और कुछ संस्थाएं निकल पड़ती हैं, कैंप्स लगाती है कि चलो आज हम इतने भांग के पौधे उड़ाएंगे और हम भारत को नशा मुक्त करेंगे, और निकल पड़ते हैं और भांग के पौधे सारे जो है वो काट देते हैं। ये अज्ञानी लोग हैं जो कि इनको नहीं पता है कि भांग के पौधे का क्या सिग्निफिकेंस है, तो निकल पड़ते हैं और भांग के पौधे काटते हैं, और बाद में फिर बहुत बड़े बड़े तमगे लगाते हैं कि हम लोगों ने इतनी नशा मुक्ति की, इतने भांग के पौधे उड़ा दिए। एक्चुअली वो अज्ञानी है, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने आयुर्वेद का एक बहुत महान वृक्ष है जिसका पूरा सत्यानाश कर दिया है। तो टॉपिक पे आ जाते हैं कि भांग का पौधा जिस तरह से पूरा बॉडी को नया यौवन देने के कैपेबल है, और वो पेट के लिए, खास करके पेट रोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, उतना ही अच्छा ये पेड़ भी है पेट रोगों को दूर करने के लिए। इसमें इसके कच्चे फल का अंदर का जो गूदा है उसको सुखा करके और फिर उसका प्रयोग किया जाता है। तो भांग का जो पौधा, भांग के पत्ते हैं, इसके कच्चे फल का जो गूदा है वो सुखा करके उसका उपयोग किया जाता है, उसमें सौंफ डाली जाती है, मोछरस डाला जाता है, धनिया डाला जाता है, तो इससे बनता है बिलवाड़ी चूर्ण जो कि पेट के समस्त रोगों के लिए एकदम बहुत ही रामबाण काम करता है। ये एक बहुत बड़े हजारों लाखों सालों से ये एक टाइम टेस्टेड शास्त्रीय आयुर्वेदिक नुस्खा है, तो इसका भी ये बेल का जो पेड़ है वो एक अभिन्न अंग है। और आगे बढ़ते हैं, पेट के और भी विकार ये दूर करने में बहुत ही कारगर है, जैसे कि ये डायबिटीज में भी अत्यंत कारगर है। इसके पत्ते जैसे मैंने खाए,
अब जिसको डायबिटीज है, जिसका शुगर बढ़ा हुआ है, रेगुलरली इसके पत्तों का सेवन कीजिए, जिस तरह से मैंने दिखाया आपको। मैं कुछ लोग एक्चुअली मुझे कमेंट्स में लिखते हैं जो समझ नहीं पाते हैं इस चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है, वो मुझे कमेंट में लिखते हैं कि कितना डिसगस्टिंग है कि आप खाते खाते बात करते हो, पहले खा लो और बाद में फिर बात करो। उनको ये समझ में नहीं आती है, उनको ये पॉइंट समझ में नहीं आता है कि मेरा उद्देश्य है ये चैनल चलाने के लिए। मैं सिर्फ ये चैनल इसीलिए मैं चला रहा हूँ क्योंकि मैं आयुर्वेद को प्रमोट करना चाहता हूँ, और आयुर्वेद को प्रमोट करना जन जन तक, घर घर तक पहुँचाने का एक इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप उन वनस्पतियों का सेवन करके दिखाओ। तो कोई जाकर के वो पेड़ पौधे घर पे लगाने वाला है और उनको उनका सेवन करेगा ना। आप सिर्फ अगर मैं अगर बोलते रहूँ इसका ये फ़ायदा है, अगर उसको खा के ना दिखाऊँ, तो फिर आप ये मुझे पूछोगे कि आप ये जानकारी तो अच्छी देते हो लेकिन सही में इसको खाया जाता है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जब पहली बार आप कोई अनजान वनस्पति को अप्रोच करते हो और उसका पत्ता कुछ तोड़ करके खाने जाते हो, तो आपको पता है क्या होता है, आदमी डर के मारे बेहाल हो जाता है और कहता है ये सही में खाना चाहिए, मैंने तो किसी को देखा नहीं है खाते हुए। तो ये खा करके दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं हर एक उसमें, पसंद आए लोगों को या ना आए, वनस्पतियों को खा के ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि ये मेरे चैनल का ऑब्जेक्टिव है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको, आप डायबिटीज से पीड़ित हो, आप ये इस तरह से पत्ते आप हर रोज़ खाओ, साथ में आप अगर सदाबहार के पत्ते खाते हो या फिर भृंगराज के पत्ते खाते हो, आप अगर करेला, खीरा, टमाटर खाते हो, या फिर आप अगर वरुण के पत्तों का सेवन करते हो, तो ये सब चीज़ें मिल करके आपका डायबिटीज़ बहुत ही जल्दी कंट्रोल में ला देती हैं। ये डायबिटीज़ भी शुगर कम करने के लिए बहुत ही रामबाण है। और आगे बढ़ते हैं, ये स्पेशली किडनी के विकारों में भी बड़े काम का है। इसमें आप इसके थोड़े से छाल का भी काढ़ा बना करके पी सकते हैं, या फिर इसके कुछ नहीं तो इसके कोमल पत्तों का सेवन कीजिए। आपकी, आपका ब्लड प्यूरीफाई होगा और आपके आपका अगर किडनी का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत सुधार करने में ये मदद रूप है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये दशमूल का एक अभिन्न अंग है। तो दशमूल क्या है? तो दशमूल के जो प्रॉपर्टीज़ है मेनली ये है कि दशमूल गर्म होता है, वो कीटाणुनाशक होता है, वो इन्फेक्शंस को दूर करता है, वो कफ, बुखार, इस तरह के रोगों को दूर करता है, और स्पेशली वो वात रोगों में बहुत ही काम का है। तो स्पेशली प्रसूता जो है, जो अभी डिलीवरी फ्रेश हुई है, उसमें यूट्रस में डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन हो जाने का बहुत खतरा होता है, या फिर ऐसे में हवा भर जाती है काफ़ी बार पेट में, या फिर इसमें डिलीवरी के बाद आर्थराइटिस होने का बहुत खतरा होता है। तो दशमूल का काढ़ा, जिनकी भी डिलीवरी होने के बाद जो माता है उसको रेगुलरली दशमूल का काढ़ा देते हैं, तो बहुत ही जल्दी रिकवरी होती है। आज भी ठीक है, बीमार पड़ती हैं महिलाएं, ध्यान नहीं देती हैं तो डिलीवरी के बाद बीमार पड़ती हैं, तो ये केमिकल वाले दवाएं का सेवन करती हैं, वो उससे क्या हो जाता है, सिम्टम्स दब जाते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन आर्थराइटिस जैसी जो बीमारियां हैं वो बाद में रह करके एक साल बाद बाहर आती हैं, और बाद में फिर ये महिलाएं आर्थराइटिस से बहुत बहुत साल तक उनको प्रॉब्लम होता है। तो अगर ये दशमूल का काढ़ा डिलीवरी के बाद तुरंत माता को दिया जाए एक महीने तक, तो उससे जो माता है उसकी बहुत ही जल्दी रिकवरी होती है और आगे चल करके उनको वात रोग नहीं होते हैं और किसी भी तरह के इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही सत्विक पेड़ है। अगर आप आंवले का कहें या तुलसी का कहें या ये बेल का पेड़ है, ये सत्विक है। अगर आप इसका हर रोज़ इसके पत्तों का सेवन करेंगे, बेल के पत्तों का, तुलसी के पत्तों का, या फिर आंवले के पाउडर का सेवन करेंगे,
तो आप में सत्व बढ़ेगा, आपकी जो पर्सनालिटी है वो सत्विक होगी, आप में ग्लो आएगा स्किन में, और स्पेशली जो नकारात्मक विचार है वो स्पेशली नकारात्मक सेक्सुअल विचार है वो ये बेल का इसके पत्तों का सेवन करने से वो शांत हो जाते हैं। ये सेक्सुअलिटी को खराब नहीं करता है, लेकिन एक्सेस सेक्सुअल जो अंदर जो इच्छाएं हैं जो मन को भटकाती हैं उसको ये कम करके मन को शांत करता है और फोकस करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एपिसोड तक मैं विशाल साठे आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बाय।